हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल तो लेटेस्ट वैकेंसी, जो मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और ये जॉब आप पालोगे, ये गवर्नमेंट जॉब है और ये निकली है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो ये सिर्फ जो पोस्ट है ये ओनली फॉर जिन्होंने कॉमर्स से बी काम किया है, ज़्यादातर उन्हीं के लिए, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल समझते हैं इसमें जो एलिजिबिलिटी है और क्या सिलेबस हमें दिया गया है, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है, इस पोस्ट का नाम क्या है। इस पोस्ट का नाम है सहायक लेखाकार, और ये भारतीय नागरिक ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसमें जो जो कोड दे रखा है पद का, वो दे रखा है 21, और इस पोस्ट का नाम क्या है, सहायक लेखाकार, इंग्लिश में कहेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट। टोटल जो हमारी पोस्टें हैं वो हमारी 186 पोस्टें हैं, जिसमें से अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 79, जो EWS कैटेगरी है वो 18, और जो नॉन क्रिमिनल लेयर हैं उसमें 47, और अनुसूचित जाति के 37, और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 5। तो जो जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं EWS कैटेगरी से, या OBC या SC या ST से, वो तो एलिजिबल हैं ही सही, लेकिन अनारक्षित श्रेणी में ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं के भी हों, आप अनारक्षित श्रेणी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इंडिया से, अगर आप UP से बाहर के भी कैंडिडेट हैं जैसे बिहार, MP, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास देखो आधार कार्ड और या फोटो युक्त पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि आरक्षण का जो लाभ होगा मिलेगा, जो सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा। इसका मतलब जो उत्तर प्रदेश से बाहर के जो लोग हैं वो किस में आएंगे, अनारक्षित श्रेणी में आएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। और जो टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें। और जो हमारा लेवल 5 का 29,800 से लेके 94,300 तक, और अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिए जाएंगे। अब जो हमारी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, देखो आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या आपने डीम्ड विश्वविद्यालय से, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा एक्ट में स्थापित किसी भी वाणिज्य में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, मतलब आपने क्या किया हो, आपने BCOM किया हो। अगर आपने BCOM किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दिनांक 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपकी 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स। इसमें जो बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो उन्हें आयु सीमा में छूट रहेगी। उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के हैं या स्वतंत्र संग्राम, उनको आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आपको 5 वर्ष छूट दी जाएगी। और यदि कोई विकलांग अभ्यर्थी है तो उसको अधिकतम आयु सीमा कितनी, 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब आरक्षण, आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाएगा। अब इसमें जो हमारा मेन है, हमारी चयन प्रक्रिया, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर आपका एक क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें ठीक है लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो हम समझते हैं क्या है। सहायक लेखाकार पद के लिए वस्तुनिष्ठ, मतलब वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। जैसे लिखित प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, मतलब आपके 2 पेपर होंगे। प्रथम भाग में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और द्वितीय भाग में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रथम भाग की जो परीक्षा होगी वो ओ स्तर का जो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, मतलब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे 50, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 1 मार्क्स का होगा, और ये अर्थात अधिकतम 50 अंकों की होगी। और यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर रॉन्ग करते हैं तो आपको 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। 1/4 मतलब
0.25 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा यदि आप कोई गलत रॉन्ग आंसर देते हैं तो। उसके बाद सेकंड दिया है, कंप्यूटर की प्रथम भाग की परीक्षा में कम आपको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा इसकी स्थिति में आपको संबंधित अभ्यर्थी को आहर मानते हुए लिखित सीबीटी तथा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि आप जो आपका पहला पेपर होगा 50 मार्क्स का कंप्यूटर से रिलेटेड, यदि आप उसमें 50% नहीं लाए तो आप जो आपका सेकंड पेपर है वो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब आप कुल मिला के आप फेल हो जाओगे, क्योंकि पहले में 50% होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें जो हम सिलेबस की बात करने वाले हैं, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा, सबसे पहले आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, दूसरा अर्थमेटिक में रीजनिंग और मैथ आ जाएगा, और थर्ड जो हवा हमारा वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, और ये किसका होगा, ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा। सिलेबस दिया है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का, वो हम डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर आप कहोगे तो मैं अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स की प्रिपरेशन मैं अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल पर करा सकता हूँ, मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एंड आल्सो मैंने एमकॉम भी किया है और मैंने यूजीसी नेट और एमपी का सेट भी क्वालिफाई किया है। तो मैं आपकी अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स के सिलेबस का आपका मैं प्रॉपर प्रिपरेशन करवा सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहली चीज़ हमारा है फर्स्ट अकाउंटेंसी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैलेंसिंग लेजर, कैपिटल रेवेन्यू और डिप्रिसिएशन, ब्रांच और डबल अकाउंटिंग, ये हमारा अकाउंटेंसी का। और जो हमारा ऑडिटिंग का है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटी, लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के जो प्रोविजन होते हैं सैलरी रिलेटेड, और प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6 जो हमें डिडक्शन दी रहती है, और इनकम टैक्स 96 और प्रोविजन हमें टीडीएस रिलेटेड सेक्शन और उनके फॉर्म, इन सब के बारे में हमें सिलेबस में देना होगा। तो इसका मतलब ये है कि मेन अगर किसी व्यक्ति ने अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो उसके सिलेक्शन के चार्ज बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ये पोस्ट है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की है। अब प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा, अधिकतम 150 अंक की होगी। तो जो हमारा सेकंड पेपर होगा वो हमारा 150 अंकों का होगा, यदि उसमें आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपको 1/4 अंक की कटौती हो जाएगी। 1/4 मतलब आपके 0.25 अंक आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और इसमें आपको देखो बताया भी गया है, थर्ड है कंप्यूटर के ज्ञान के जो प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जुड़ जाएंगे, मतलब जो हमारा पहला पेपर होगा ना उसके अंक जब हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें नहीं जुड़े जाएंगे। इसका मतलब पूरा डिपेंड किस पे है, हमारे सेकंड पेपर से, बस पहला पेपर को जो हमें कंप्यूटर से रिलेटेड है उसको हमें क्वालिफाई करना है कितना, 50% से क्वालिफाई करना है, और जो लिस्ट बनेगी मेरिट वो सेकेंड के हिसाब से बनेगी, मतलब जो हमारे 150 अंक है, 50 अंक में हिंदी, इंग्लिश, अर्थमेटिक और जो अकाउंट और ऑडिट और इनकम टैक्स है, तो यही आपकी सिलेक्शन का मेन डिपेंड करता है। अब जो परीक्षा का स्थान है, जो सेंटर होंगे वो क्या होगा, देखो यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा और बनारसी शहरों में होगी, मतलब ये चार शहर हैं जो उत्तर प्रदेश के, इनमें परीक्षा हो सकती है। हाँ, अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर स्थान बदलाव घटाया जा सकता है। अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। जी हाँ, अब हम आवेदन शुल्क के बारे में जान लेते हैं। तो आवेदन शुल्क हमारा प्रोसेसिंग चार्ज, देखो उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आपको 826 रुपये प्रति आवेदन लगेंगे GST सहित, और जो हमारी अनारक्षित श्रेणी है, जो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है, और उत्तर प्रदेश के EWKS कैटेगरी और नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थियों के लिए 1180 रुपये प्रति आवेदन GST सहित, और उत्तर प्रदेश के जो विकलांग अभ्यर्थी हेतु केवल आपको 12 रुपये GST देना है, और जो बैंक चार्ज होगा अभ्यर्थी द्वारा वो अलग से दे होगा। और आपकी वेबसाइट क्या होगी, आपकी वेबसाइट होगी
www.upcl.org पर उपलब्ध है। तो आप आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की वेबसाइट upcl.org पर जाना है और अप्लाई पर जाकर आवेदन करना है। और आपके प्रवेश पत्र के लिए यहाँ आपको प्रवेश पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, upcl.org डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको SMS प्रेषित कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारी जो महत्वपूर्ण तिथियां जब से हमें फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की तिथि है आपको 8/11/2022, मतलब 8 नवंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी लास्ट डेट है 28/11/2022। नेट बैंकिंग आप चाहे तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं 8/11 से लेकर 28/11 तक, ठीक है। और जो ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि हैं वो जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में होने के चांस हैं, ये आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मैं आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी और अकाउंट्स के जो तैयारी करवाने के लिए अकाउंट इनकम टैक्स के से वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।